कुंदन कुमार आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि इन सारे मौकों पे आपको नहीं बोलना है, अर्थात कुछ भी नहीं बोलना, बिल्कुल साइलेंट हो जाना। जहां आपकी सिचुएशन आपके विपरीत हो, अर्थात कि आपकी बातों को कोई समझने वाला ना हो, उस जगह पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं बोलना, बिल्कुल साइलेंट से क्विट कर जाना। दूसरा, गुस्सा में भी किसी भी प्रकार की बातों को किसी का जवाब नहीं देना। अगर गुस्सा में भी आप किसी का जवाब देते हैं, उस समय भी आपके लिए बुरी स्थिति का शुरुआत हो जाना माना जा सकता है। जब किसी भी जगह आपकी बातों की अहमियत ना हो, अर्थात कि आपकी बात को कोई मतलब नहीं होता, उस जगह हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों की कभी वैल्यू ना करे, कभी कोई कद्र ना करे, उस समय भी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, किसी घमंडी व्यक्तियों से भी अपनी बातों को समझाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंडी व्यक्तियों को अपनी बात को बार 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 समझाने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति आपको पागल समझेगा। पागल इन द सेंस सबकी निगेटिव वाला पागल, ऐसा नहीं क्योंकि मैं तो कहता हूँ पागल का मतलब होता है पाने के लिए, ग से होता है गतिशील, ल से होता है लक्ष्य, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पाने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए पागल बना रहे, अर्थात हमेशा गतिशील रहे, उसी को पागल कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के व्यक्ति आपको पागल समझेंगे, अर्थात क्या कि आपके पास उनके नज़र के मुताबिक आपके पास दिमाग नहीं है, यू हैव नो कॉमन सेंस। उसके बाद सामने वाला जब आपकी बातों को सुनने को तैयार ना हो, कभी कभी होता है कि आप उसे बार बार किसी बातों को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो बातों को इग्नोर करता चलता है, बार बार इग्नोर करता चलता है, बार बार इग्नोर करना चलता है, तो फिर क्या मतलब है यार उसे बहुत कुछ कहने की, कभी भी कुछ नहीं कहना उस प्रकार के लोगों को। जहां पे कुछ लोग आपकी बातों को कम, अपने आप के ज्ञान के बारे में केवल सबसे ज्यादा ज्ञानी समझना, होता ना कभी कभी आप लोग के जीवन में भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है कि वो आपके सामने में आपकी वैल्यू को ना कुछ वैल्यू करता हुआ, केवल अपने आप को दुनिया का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति समझने लगते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के भी बातें में अपनी बातों को कभी ना रखें, बिल्कुल साइलेंट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है जिसकी बुद्धि काफी छोटी होती है, जिसकी बुद्धि काफी छोटी हो, अर्थात कहने का सेंस क्या, जिसकी सोच हमेशा पानी के तरीका से हो, जिस प्रकार की पानी की चाल हमेशा नीचे की ओर होती है, सेम उसी प्रकार से उनका भी चाल हो जाता है। उस प्रकार के व्यक्तियों से भी अपनी बातों को ना कहें, उससे अच्छा है कि उस प्रकार के व्यक्तियों को बहुत सारी बातें कहने से अच्छा है कि आप उस समय अपने आप की बातों को साइलेंट हो जाएं, कुछ बोले ही ना। इतने सारे मौकों पर आपको किसी भी रूपों में नहीं बोलना है। थैंक्स अ लॉट।